हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड द अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज हम देहरादून के लिए निकलने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी प्लान में है थोड़ा सा चेंजेस और हम जा रहे हैं कल सुबह मॉर्निंग में, तो कल शाम तक पहुंच जाएंगे देहरादून। तो आज का जो दिन है ना, मैं सोच रहा हूँ कि मेले में जा के आऊँ, और उससे पहले सबसे मेन काम है अभी ये देखिए बियर्ड वगैरह, और ये बाल थोड़ा सा बढ़ गया है तो अभी बाल कटा के आएंगे। और इस बार मैं सोनू भैया के पास मैं दूसरे सैलून में जाऊंगा, और भाई ने रिकमेंड किया एक सैलून नॉर्बलिंगा साइड में है, तो वहाँ पे जाता हूँ और फिर वहीं से कटा के फिर मेले के लिए हम रेडी हो जाएंगे। अभी देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ वो लोकेशन कहाँ पे है वो सैलून। बाकी अगर हेयर कट अच्छा हुआ तो मैं आप लोगों को पक्का रिकमेंड करूँगा कि वहीं पर कटाना। ये देखिए ये थोड़ा सा डेंजर मोड है क्योंकि यहाँ से नॉर्बलिंगा के लिए रास्ता जाता है ना ऑनेस्टी में। लीजिए गाइस, पहुँचने वाले हम, ये लीजिए पहुंच गए। ये है गाइस सागर हेयर सैलून ओयो के बिल्कुल बगल में। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। ये ओयो गाइस, और वो चली गाइस। समझ रहे हो आप? ये अपने सागर भाई आ गए हैं और मैं आया हूँ शुभम के साथ। इसने मेरे को रिकमेंड किया था गाइस, यहाँ पे हर बार यही कटाता है। कैसे भाई, कैसे है? देख लीजिए गाइस, ये बाल कटने से पहले का ये स्टाइल है और इसके बाद देखना आप लोग। ये सागर भाई देखो इधर। हेलो। तो गाइस आप लोग को मैं फुल रिकमेंडेड कर रहा हूँ सागर भाई के पास आ सकते हो आप लोग। मेरे को भी लग रहा है कि बाल अच्छे काटे भैया ने। और देखिए ये है उनका सैलून, ये देख लीजिए, इस नंबर पे आप कॉल करके आ सकते हैं। ठीक है सागर भैया, बाय, ओके, थैंक यू। तो गाइस अभी हम मेले में आए हैं और कुछ देर के लिए आए हैं हम, क्योंकि अभी मेरे को पैकिंग भी करना है घर जाके, बहुत ज़्यादा बिजी अभी शेड्यूल चला हुआ है मेरा, और कल सुबह निकल रहा हूँ मैं। देख लीजिए गाइस यहाँ से आउट ऑफ व्यू, ये देखिए गाइस यहाँ पे मेला लगा हुआ है। देखिए गाइस हॉन्टेड रूम बना रखा है, बट ऐसे ही होता है, अंदर पूरा अंधेरा होता, नहीं तो मैं जाता अंदर। Thank you.
गाइस आप लोगों को एक लोकेशन बताता हूँ जो हमने राजस्थानी डिशेज वगैरह लगी हुई है ना स्टॉल स्टार्टिंग में ही, वहाँ पे ना गाइस ऑसम सिड्डू मिल रहा था जो कुल्लू का स्पेशल है ना भाई, मज़ा आ गया खा के। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमने ना पहले एक मंगाया था, उसके बाद फिर हमें टेस्टी लगा तो हमने दूसरा भी मंगा लिया। यहाँ वालों को इतना नहीं आता अच्छे से बनाना जितना कुल्लू वालों को आता है, और सच्ची बता रहा हूँ बहुत मज़ा आया वो खा के ना। सबसे यूनिक टेस्ट था सिड्डू का, मैं बोलता हूँ ना यहाँ पे कोई बना ही नहीं सकता धर्मशाला में इतना टेस्टी सिड्डू। सो स्टार्टिंग में मिल जाएगा गाइस, सबसे स्टार्टिंग में, तो आप लोग पक्का विजिट करना वहाँ पे। तो गाइस अभी जो है भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया था। सो गाइस अभी हम ना घर जा रहे हैं, रात के 8 बज चुके हैं और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम कोई झूला झूल पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। एक झूले में कम से कम भी 20-25 मिनट लग रहा था, तो इसलिए हम बिना झूले आगे। पर चलिए, हमने वैसे भी खनियारा का मेले में झूल लिया था। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब हम घर जा रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल गाइज़।